ये मीरा रोड का सॉलपेन एरिया है, वहाँ पे इलीगल तरीके से ये सारा भर्ती चल रहा है, आप देख सकते हो। और जिसमें से इन्होंने अभी फ़ोन करके बुलाया है बहुत सारे लोगों को कि आप आओ और ये देखो, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे। ये पूरा इलीगल भरनी चल रहा है सर, सॉलपेन पे। आमिर शेख, नेता नगरी 24/7 न्यूज़। आज हम मिल रहे हैं पर्यावरण प्रेमी अमजद खान जी से, जिनके ऊपर दो दिन पहले जानलेवा हमला हुआ मीरा रोड में। तो हम चाहते हैं कि ये हमला कैसे हुआ, अमजद खान जी आप हमें बताएं। आइए जानते हैं अमजद खान जी से मामला क्या है। धन्यवाद नेता नगरी का, जो आप आके मेरी आवाज़ बुलंद किए, मेरे दोस्त शब्बीर भाई और आप। माशाल्लाह अच्छा है कि आप आके मेरे कांधे से कांधा मिला है ये आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पे। दरअसल ये मामला ये है कि 18 तारीख से मीरा भाईंदर एरिया में जो सॉलपेन है, जिसको बोलते हैं नमक की जगह, वहाँ पे भरनी चल रही थी। मैंने ट्रेन में से देखा और उसके बाद मैंने वहाँ के जो तलाटी मैडम है उनको इंटीमेशन भेजा कि मैडम ऐसा ऐसा इलीगल भरनी चल रहा है विदाउट रॉयल्टी के, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद मैंने सर्कल ऑफिसर को भेजा, उसके बाद मैंने तहसीलदार साहब को भेजा, फ़ोटो भेजा, मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं 22 तारीख को वहाँ पर गया खुद कि असल में ये मसला क्या है, ये रुक क्यों नहीं रही है भरनी। तो मैं खुद वहाँ पर गया, जब मैं वहाँ पर वीडियो शूटिंग कर रहा था तो मेरे आंख के ऊपर एक डंपर आई और उतरने के बाद वहाँ से दो लोग उतरे डंपर में से और उन्होंने मेरे को बोला रुको अभी हम लोग बताते हैं। फिर उन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वहाँ से लोग आए और जिसको मैंने देखा कि लोग काफ़ी लोग आ रहे, तो मैं वहाँ से जाने में ही भला ही समझा। मैं बोला अगर मैं वहाँ रुकता हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, अगर हम वहाँ दोनों रुक जाते तो करीब मैं समझता हूँ वहाँ 100-150 लोग तो थे उस भरनी के अंदर, हो सकता है उन लोग हम लोगों को मारते भी, मोबाइल छीनते, हमारा एविडेंस हटाते ताकि हम लोगों के बीच में आवे नहीं। और कल जब मैं गया वहाँ पर, फिर से मैंने उनको 22 तारीख को मैसेज किया, 18 तारीख को एक किया, एक 22 तारीख को किया, तहसीलदार साहब को, सर्कल ऑफिसर को, डलाटी मैडम को व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरे पास सारा लेखा जोखा है। फिर भी उन्होंने नहीं रुकाया। कल मैं जाके लिखित कंप्लेंट जब मैंने मीरा रोड में जो मीरा भाईंदर के जो तहसीलदार साहब हैं, मैंने उनको लिखित में कंप्लेंट दी कि साहब ऐसा ऐसा वहाँ पे इलीगल भरनी हो रहा है सॉलपेन एरिया में, आप उसको रुका क्यों नहीं रहे। तो वहाँ पे तुरंत जो है मेरे शिकायत के बाद, लिखित की शिकायत के बाद वहाँ काम रुक गया। और रुका तो ठीक है, लेकिन आज वहाँ पे लगभग 1000 डंपर का जो रैबिट पड़ा हुआ है, जो डंपिंग करा हुआ माल है वो कौन उठाएगा। तो उसकी भी मैंने शिकायत की कि ये जिसके नाम पे 7-12 है, आप उसके ही नाम पे शिकायत दर्ज करो, FIR करो, या जो भी कानूनी कार्रवाई है आप जिसके नाम पे 7-12 है उसके नाम पे। नहीं तो होता क्या है, ऐसी मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी शिकायत की, लेकिन होता ये है कि वहाँ के जो भी ऑफिसर बोलो मिली भगत है, यहाँ के भू माफिया जो लैंड माफिया है, जो मिली भगत है, वो बाद में क्या करते हैं, एक लेटर डालते हैं 10-15 दिन के बाद कि साहब हमारे को मालूम नहीं है कि हमारी जगह पे कौन आके भरनी करके चला गया और आप हमारे पे कार्रवाई मत कीजिए, वो अननोन पर्सन के ऊपर आप जो है जो भी करना है कानूनी कार्रवाई आप उसके कीजिए। क्यों आप 10 दिन तक के भरनी हो रहा था तो जब भी आपने क्यों नहीं डाला कि हमारे इधर पे कार्रवाई हो रही है, ये सब इलीगल डंपिंग हो रहा है, जो कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सॉलपेन हो, वेटलैंड हो, CRZ हो, मैनग्रोव हो, वहाँ पे भरनी होना ही नहीं चाहिए इलीगल तरीके से, लेकिन वहाँ पे इतना भरनी होता है इनके रेख देख में। इसके लिए मैंने बार बार हर डिपार्टमेंट में मैंने लेटर डाला हूँ, जैसे कि अभी मुझे पता था कि ये इलेक्शन के अंदर होगा भरनी, तो मैंने ऑलरेडी कोकण कमिश्नर, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस कमिश्नर, इनको मैंने ऑलरेडी लेटर दे चुका हूँ, वो लेटर भी मैंने दिया हूँ 16/10/2023 को। तो आपको पता चले कि ये मैंने 10वें महीने में लेटर डाला हूँ और आज चल रहा है 14 महीना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भरनी हो रही है। उसके बावजूद मैंने भरनी रोकने के लिए उसके लिए भी शिकायत किया हूँ कि साहब ये जो देसर चेक नाके से जो डंपिंग की गाड़ियाँ आती है वो आप रुकवाओ,
गोड़बंदर चेक नाके से जो गाड़ी आती है डंपिंग करने के लिए वो आप रुकाओ, लेकिन उनको रुकाना ही नहीं है। इलीगल तरीके से मीरा भाईंदर के अंदर गाड़ियाँ आ रही है, डंपिंग हो रहा है, मैंग्रोव नष्ट हो रहा है, बस खाली खाना पूर्ति के लिए FIR होता है, चार्जशीट डाल दी जाती है और कोई भी सही तरीके से काम नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद आप आज पूरे मीरा भाईंदर में देखोगे हर जगह पे आज मैंग्रोव है, लेकिन कहीं पे भी जो उनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है, जैसे आज हमारे मुंबई में प्रॉपर्टी कार्ड होता है 7-12 होता है, 6-12 होता है, उसके अंदर लिखा जाता है कि ये बिल्डिंग है, ये है, ये है, लेकिन आप जाओ पूरे मीरा भाईंदर के अंदर कोई भी 7-12 पे लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे मैंग्रोव है, वहाँ लिखा रहता है खेती है। और उसके बिना पे वो जाते हैं, डंपिंग कर लेते हैं, भरनी करते हैं, उसके बाद वो NA डिपार्टमेंट में जाते हैं कि हमारी खेती को आप नॉन एग्रीकल्चर करो, उसके बाद वो जाते हैं IUDCC के लिए और अपने बिल्डिंग बनाने का काम चलता है। तो वहाँ जो मैंग्रोव है, जो वेटलैंड है, जो सॉल्पेन एरिया है, वो जो डंप हो गया उसका क्या? तो खाली खाने पूर्ति के लिए ये लोग कुछ ना कुछ या तो गांव के अंदर मिस्टेक करेंगे, या तो हिस्सा नंबर में करेंगे, या तो सर्वे नंबर में करेंगे, या तो गांव के नाम में मिस्टेक करेंगे और ये बताएंगे कि अभी जांच चल रही है। जैसे कि मेरे को एक RTI के अंदर पता चला कि 142 FIR है पूरे मीरा भाईंदर के अंदर, जिसमें से सिर्फ 20 ही यानी 20 उतनी ही चार्जशीट गिरी है। तो आप पता कर, आपको हैरान होगा कि आप 20 चार्जशीट है और केस है 125, और जबकि मेरे खुद के जो कंप्लेंट है 142 मैंने कंप्लेंट किया हूँ, जिसपे लगभग 10 से 12 FIR हो चुकी है, लेकिन उसके पर सिर्फ खाना पूर्ति है, FIR का मतलब ये नहीं है। लेकिन उसके एवज में उनको चार्जशीट डालना होगा, कोर्ट में जाना होगा या एक दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे कि एक पूरा जो डिपार्टमेंट है मैंग्रोव का, अगर तहसीलदार है तो तहसीलदार को रिपोर्ट किसको करना है? पुलिस को करना है, पुलिस और तहसीलदार को मिलके बिल्डिंग प्रपोजल में देना है, NA डिपार्टमेंट में देना है कि यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा ऐसा हो गया है कि मैंग्रोव है और मैंग्रोव को बुझा के ये डंप करा हुआ है, तो इसके पर FIR आप इसी तरीके का कोई भी लीगल परमिशन मत दीजिए। लेकिन ऐसा पूरे मीरा भाईंदर के अंदर होता नहीं है, उसके एवज में जो है दिन पे दिन वहाँ पे बिल्डिंगें बनती जा रही है और आपको और हमारे को पर्यावरण का नुकसान जो है वो आपको और हमारे को भुगतना होगा। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं कि 26 जुलाई हो गई, साइक्लोन हो गया, ये सब किस लिए हुआ? ये मैंग्रोव नहीं रहने के कारण हुआ है। और जैसे कि हमारे एक्स कमिश्नर जो मुंबई के थे इकबाल सिंह साहब, उन्होंने कहा था कि 2050 में मुंबई डूब जाएगी, तो मुंबई कैसा डूबेगी? ऐसा डूबेगी, जो एक पूरा हिस्सा जहाँ पे मैंग्रोव, जहाँ पानी जाके स्टॉप होता है बारिश का, वहाँ पे आप उसको ही ख़त्म कर दोगे। आप वहाँ पे इलीगल तरीके से बिल्डिंगें बनाने का परमिशन दोगे, आप इलीगल वर्क करने का काम दोगे, तो कहाँ पे मैंग्रोव रुकेगा? और कहाँ पे आप बताते हो कि हम पर्यावरण प्रेमी है या पर्यावरण के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं? सिर्फ पर्यावरण दिन बनाते हैं, वृक्ष दिवस बनाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए पेपर में वो मैंग्रोव या वेटलैंड या CRZ या सॉल्पेन एरिया रहता है, लेकिन हकीकत में उसका उल्टा रहता है। जैसे कि आपने अभी देख ही लिया कि 2 दिन पहला मैं खुद गया था भरनी के, उसमें तो उन्होंने मुझ पर डंपर लेकर आ गए। और कई जगह पे तो ऐसा होता है जब सर्वे करने हम जाते हैं, सारी टीम रहती है, लेकिन वहाँ के जो भू माफिया रहते हैं या जिसके नाम पे 7-12 रहता है, वो 30-40 लोग जमा रहते हैं और वो पूरे के पूरे अपने आंग पे आ जाते हैं कि तुमने हमारे इधर की कंप्लेंट डाली कैसा, हाई कौन तुम, ये कौन, वो कौन। तो उसका जवाब देने के लिए जो पूरी कमेटी है, कोकण कमिश्नर है, तहसीलदार साहब है, SDO है, कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर है, ये पूरी एक कमेटी बनाई गई है कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए से एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन कमेटी जो है, सिर्फ कमेटी की हर 3 महीने में मीटिंग होती है, हर 6 महीने में मीटिंग है और मंथली मीटिंग होती है, बाकी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि ऑन पेपर सिर्फ हो रहा है काम, लेकिन हकीकत मुझे दिख नहीं रहा है। अमजद खान जी, जैसे मीरा रोड में आपके ऊपर जानलेवा हमला किया है, आपके जो काम कर रहे हैं उसको रोक टोक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने कुछ कार्रवाई की है? किसी को कुछ लेटर वेटर दिया है? मैंने इसीलिए तहसीलदार साहब को कल लिखित कंप्लेंट दिया हूँ कि वहाँ एरिया जो है सॉल्पेन का है और सॉल्पेन पे इस तरीके से भरनी हो नहीं सकती, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सॉल्पेन एरिया में आप भरनी नहीं कर सकते। तो मैंने ये लिखित में कंप्लेंट दिया, उसके एवज में वहाँ पे काम बंद हो चुका है। हाँ, लेकिन मैंने पॉलिटिशियन में कंप्लेंट नहीं दिया हूँ या और कोई जगह पे कंप्लेंट नहीं दिया हूँ। मैं अभी देखता हूँ कि तहसीलदार साहब, सर्कल ऑफिसर और जो तलाटी है,
वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, और इसके बाद जब वहाँ से मुझे जो जवाब मिलेगा, जैसे कि मैंने इसमें एकदम क्लियर कट लिखा हूँ कि आप 7-12 जो ओनर है उसके ऊपर आप गुनाह लीजिए या जो भी आपका जो कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए, तो पता चलेगा मुझे। मैं उसके बाद जाके वहाँ का जो बहिंदर पॉलिटिशियन है, पुलिस कमिश्नर साहब को मिलूँगा, SDO को मिलूँगा, कलेक्टर को मिलूँगा कि मैंने इन्हें व्हाट्सएप के जरिए पे कंप्लेंट दिया था और राइटिंग में भी कंप्लेंट दिया था। देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। और फिर आप तो जुड़े हो मेरे से, कांधे से कांधा मिला के आवाज़ तो मेरी आप उठा ही रहे हो। अमजद जी, जैसे मीरा रोड में ये इनलीगल काम चालू है डंपिंग का, ये वो, तो ऐसे और कहाँ कहाँ चल रहा है ये सब काम, आपको पता है इसके बारे में? सर, मैंने ऑलरेडी राइटिंग में कंप्लेंट दे चुका हूँ, आप देख दिखा सकते हो मेरा लेटर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, वसई विरार, जो अभी नवी थर्ड मुंबई बन रही है वो, और उसके अलावा इसके आसपास के जितने एरिए जो पूरे मैनग्रोव से ढके हुए हैं, वेटलैंड से ढके हुए हैं, सॉल्पेन से ढके हुए हैं, तो मैंने उसकी शिकायत लिखित में भी दिया हूँ और बार बार उसके ऊपर मैं कार्रवाई की मांग भी करते रहता हूँ। आप देखो अंधेरी वर्सावा के अंदर इल्लीगल काम चल रहा है, भरनी भी कर रहे हैं मैनग्रोव पे, और इल्लीगल काम भी हो रहा है बिल्डिंगों का, उसमें टफ बनाया गया है, इल्लीगल बिल्डिंग बन रही है, इल्लीगल मच्छी का यार्ड बन रहा है, इल्लीगल वहाँ पे ईट रेती की दुकानें खुली है, यानी अनलीगल तरीके से जो है वर्सावा गांव जो है अंधेरी के अंदर डोंगरी गली, वहाँ पे बड़े पैमाने पे इल्लीगल काम चल रहा है। उसके बाद मीरा भाईंदर में हो रहा है, उसके बाद थर्ड नवी मुंबई में हो रहा है, पूरन में हो रहा है, एरोली में हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये जो मुंबई का जो डेबरेज है, जो भरनी करने का जो मटेरियल है, ये पूरा मुंबई के बाहर जा रहा है, और जिससे मुंबई और मुंबई के आसपास का जो एरिया है वहाँ से मैनग्रोव, वेटलैंड और सॉल्पेन वो पूरा ख़त्म हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आपको और हमारे को तकलीफ होगी। इसलिए मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सिर्फ इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, ये डे, वो डे मत बनाइए, आप रोड पे उतरिए, आप फेस करिए हर एक चीज़ का, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे और हमारे आने वाले जनरेशन को तकलीफ पहुंचाएगी। अभी जैसे कि गर्मी का पारा बढ़ रहा है, उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब मुंबई के अंदर बारिश आएगी, मुंबई और मुंबई के आसपास जो महाराष्ट्र में जो बारिश होती है रिकॉर्ड तोड़, अगर वैसी बारिश या उससे ज़्यादा बारिश हो गई तो आप बताओ मुंबई और मुंबई के आसपास का एरिया कितना भर जाएगा। जैसे 26 जुलाई जो बाढ़ आई थी उससे भयंकर होगा सर। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स से ये गुजारिश करूंगा, और जो जो ये देख रहा है न्यूज़, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे चैनल के थ्रू। आमिर शेख, 24/7 नेता नगरी।